नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के सामान्य नियमों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो अपना आज का कंटेंट है कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के क्या क्या अंग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है अपने पास प्राइम कॉस्ट, कि प्राइम कॉस्ट क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है और कुछ खर्चों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के कॉन्सेप्ट आएंगे। डायरेक्ट का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली उस चीज़ को कंज्यूम करना पड़ रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट होगा कि जो एक समूह पे उस चीज़ को कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड आपने सुना होगा, और उसको अपन किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। कैरीज इनवर्ड का मतलब कि कोई सामान आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, तो कैरीज इनवर्ड को अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मटेरियल आ रहा है उस पर की पैसा एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट का क्या होगा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल में आता है, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। अब वर्क्स कॉस्ट क्या होगी, जो जिसको अपन फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट को, कि इसमें क्या होगा, प्राइम कॉस्ट होगा जिसमें डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, डायरेक्ट वेजेस आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड है उनको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होता है कि फैक्ट्री के इम्प्लॉयज हैं जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, उनको अपन को किसी प्रकार का कोई खर्चा, वेतन वगैरह देते हैं, और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेज है। तो जब ये फैक्ट्री ओवरहेड इसमें प्राइम कॉस्ट में जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, वर्क्स कॉस्ट क्या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो वन बाई स्टेप आपने एक टेबल बना के भी अपन इसको समझ सकते हैं, कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जोड़ क्या होगा, प्राइम कॉस्ट होगा। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो क्या होगी, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, ठीक है। उत्पादन की लागत क्या होगी, कि उत्पादन की लागत मतलब कि उस वस्तु का निर्माण हो चुका, ठीक है, उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ देते हैं तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस में जैसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, और कई तरह के खर्चे होते हैं, कि जैसे कि उसकी पैकेजिंग टाइप में, और एडवर्टाइजिंग के खर्चे, इस प्रकार के इस खर्चे जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा, जो प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअल में, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचा हुआ माल है उसकी क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। कि जैसे कि आपने पास ओपनिंग स्टॉक था कुछ 5 इकाइयां थी, अपन ने प्रोडक्शन किया 20 इकाइयों का, तो अपने पास 25 हो गई। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा अपने पास, मान लीजिए 5 बचा, तो अपन ने 20 इकाइयां क्या कर दी, सेल कर दी। तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब आता कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट इक्वल टू ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो इससे पहले जो ऑफिस कॉस्ट आई उसमें क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उस प्रोडक्ट का कंप्लीटली जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, टोटल कॉस्ट है, वो क्या आ जाएगा,
जोड़ने पे आ जाएगा। अब है ना सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स सेल्स का क्या है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स प्राइस होता है उसमें क्या होता है प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट। तो इस प्रकार से ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये आपको आना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस कॉस्ट, ये सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। इसमें क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, तो इस प्रकार से ये अपने पास प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, ये डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। अपन एक चार्ट के बेस पे अपन प्राइम कॉस्ट में क्या होगा प्लस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो क्या हो जाएगा वर्क कॉस्ट, कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करेंगे ऑफिस ओवरहेड अपन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सेल्स प्राइस। तो इस प्रकार से ये इस चार्ट के माध्यम से अपन कॉस्ट के विषय में आराम से समझ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूल कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, और इनमें सबसे समस्या आएगी कि खर्चों को किस प्रकार से डिवाइड करें, कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है और ऑफिस ओवरहेड क्या होता है, डायरेक्ट ओवरहेड किस पर क्या होंगे, इनडायरेक्ट कौन से होंगे, इस प्रकार से। तो ये आप जब कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है, क्योंकि बिजनेस के अलग अलग नेचर्स होते हैं, अलग अलग नेचर्स के हिसाब से अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस अलग अलग हेड में जा सकते हैं। ठीक है।